हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृशन पर। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए 50 और वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि किसी न किसी एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो का 4th पार्ट है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर बनाई हुई है, और अगर आप चाहते हो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक दे दिए हैं। आज के इस लेसन में मैंने 15 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट भी ऐड किया है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों, हमारा आज का पहला इडियम है एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, एट अ लिटिल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। सेकेंड इडियम इज एट ओड्स। एट ओड्स का मतलब होता है असहमत होना, मीन्स इन डिसएग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज आर ऑलवेज एट ओड्स। देखते हैं अगला। थर्ड इज एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। कोई नया सम्मान प्राप्त करना, टू अक्वायर अ न्यू ऑनर। इसको याद करने का आसान तरीका है, आपने देखा होगा कि पुलिस वालों को जब प्रमोशन होता है या एक लेवल ऊपर जाते हैं तो उनको एक नया स्टार लगाया जाता है। तो इसी तरीके से समझ लो, किसी की कैप में एक नया फेदर ऐड कर देना, उसको एक नया सम्मान देना। ओके। फोर्थ इज बाय डिंट ऑफ, मतलब के दम पर, बाय मीन्स ऑफ। For example, you can say I have established this company by dint of my hard work. यह कंपनी मैंने अपने दम पर खड़ी की है। Fifth is call a spade and spade, मतलब मुंहफट बात करना, बिना हेजिटेशन के जो मन में आए वो बोल देना। In English, to be frank. For example, you can say he never hesitates in calling a spade and spade. That's why he has a few friends. Let's move to the next idiom. Sixth is come across, मतलब अचानक मुलाकात होना, meet by chance. For example, you can say yesterday I came across one of my old friends while going to the market. देखते हैं अगला। Seventh is strain every nerve, मतलब खून पसीना एक करना, to make utmost efforts. For example, you can say I have strained my every nerve to get this job. एट्थ इज स्टील द शो। स्टील द शो का मतलब होता है सबकी वाहवाही जीतना, विन एवरीबडीज प्रेज। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से योर परफॉर्मेंस वॉज जस्ट ऑसम इन द एनुअल फंक्शन, यू स्टोल द शो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाइन्थ इज डॉग्स लाइफ, दुखद जीवन व्यतीत करना और टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से आफ्टर द फ्लड स्वेप्ट अवे हिज हाउस, ही इज लीडिंग अ डॉग्स लाइफ। 10th is to bite the dust, मतलब हारना और to be defeated. देखते हैं अगला। Once in a blue moon, ईद का चांद होना या rarely, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत कम दिखे आपको। Let's move to the next idiom. 12th is cold comfort, मतलब झूठी तसल्ली देना किसी को, to give somebody slight satisfaction. For example, you can say don't try to give me cold comfort. 13th इज बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब विवाद का विषय या झगड़े की जड़, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखते हैं 14th इज ऑल क्रिक, मतलब अबोधे, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ऐसी चीज़ जो समझ आपको ना आए, जिसको समझने में आपको दिक्कत हो। फॉर एग्जाम्पल, हिज स्पीच वॉज ऑल क्रिक बिकॉज ऑफ हिज इनऑडिबल एंड अनक्लियर वॉइस। Let's move to the next. 15th is blood run cold, मतलब डर जाना, to get frightened. For example, after seeing a lion in front of me, my blood ran cold. देखते हैं अगला। 16th is give a shot, मतलब प्रयास करना, to try. कई बार हम किसी से बोलते हैं कि कम से कम एक बार ट्राई तो करके देखो। So in English you can say at least give it a shot. देखते हैं 17th सेट द बेट, मतलब चारा लगाना, टू ले द ट्रैप। किसी को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। जैसे घर में चूहे को पकड़ने के लिए हम चारा लगाते हैं, तो उसी तरीके से। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो द पुलिस सेट द बेट टू कैच द थीफ। देखते हैं अगला। 18th इज फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब बेचैन, फीलिंग अनकम्फर्टेबल, इसको याद करना भी आसान है। जब आप एक फ़िश को वाटर से बाहर निकालते हो तो क्या होता है, वो अनकम्फर्टेबल हो जाती है, छटपटाने लगती है, तो इसी तरीके से इसका मीनिंग भी बन जाएगा। 19th इज़ ब्रिंग टू लाइट, मतलब सामने लाना किसी चीज़ को, टू रिवील। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दिस मैटर इन टू लाइट, इस मैटर को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इसे याद करना भी आसान है, आपको यहाँ पर वर्ड पकड़ना है लाइट। जब किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, रिवील हो जाती है, सामने आ जाती है। तो इसी तरीके से इसका मीनिंग भी बहुत ही सिंपल है। अगला है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब तेज़ी से फैलना, जंगल की आग की तरह फैलना, स्प्रेड क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द टाउन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इडियम नंबर 21 इज़ एज कूल एज क्यूकम्बर, मतलब शांत जो आपा ना खोए, अ पर्सन हु इज़ काम एंड कंपोज। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर हाउ मच वर्क यू गिव हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स काम एंड कंपोज। अगला है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, फिजूल खर्च करना, इट मीन्स टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। इसका सेंस बना के इसको याद किया जा सकता है, कैंडल को एक साइड से जला के जब काम चल जाता है तो दोनों साइड से जला के उसको वेस्ट क्यों करना, अगर दोनों साइड से जलाएंगे तो वो वेस्ट होगी, उसकी फिजूल खर्ची होगी। ओके, तो इसी से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम। 23rd इज़ अ रेड लेटर डे, मतलब सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट एंड जॉयफुल ओकेजन। We know that India got independence on 15th August 1947. So it is a very important day for all the Indians. Thus we can say 15th August is a red letter day for all the Indians. 24th is out of the question. इसका मतलब होता है असंभव, कोई चीज़ impossible. देखते हैं अगला 25th give a hand. Give a hand का मतलब होता है हाथ बटाना और to help with something. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से वुड यू गिव मी अ हैंड फॉर सम टाइम। देखते हैं अगला 26th इज वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब इंसान की शक्ल में भेड़िया, टू बी अ हिपोक्रेट। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो दिखावा करता है अच्छा होने का, लेकिन रियलिटी में आपका बुरा चाहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अ स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप और अ सीक्रेट एनिमी। For example, you can say I considered Ram as my best friend, but he turned out to be a snake in the grass. हमारा 28th idiom है yeoman service, मतलब अति उत्तम और an excellent work. Let's move to the next idiom. Idiom number 29th is spick and span, मतलब साफ सुथरा, neat and clean. For example, when I entered the room was spick and span. देखते हैं अगला इडियम कीप इन द डार्क, मतलब अंधेरे में रखना, नॉट इन्फॉर्म्ड, किसी को किसी शब्द से अनजान रखना। 31st इज मेक वंस ब्लड बॉयल, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, मेक समबडी फ्यूरियस। फॉर एग्जाम्पल, योर सिली मिस्टेक्स और योर सिली बिहेवियर मेक्स माई ब्लड बॉयल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम। इडियम नंबर 32 इज़ गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब मुसीबत में पड़ना और गेट इनटू ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल, यू गेट इनटू हॉट वाटर बिकॉज ऑफ योर ओन सिली मिस्टेक्स। देखते हैं अगला इडियम मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब जमीन आसमान एक कर देना, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू क्रैक दिस एग्जाम। 34th इडियम है पोक नोज, मतलब टांग अड़ाना और टू इंटरफेयर। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से यू डोंट नीड टू पोक नोज इन अवर मैटर, तुम्हें हमारे मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अपना अगला इडियम। 35th इज पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है समस्या का भंडार और अ सोर्स ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी कर दे। देखते हैं अगला 36th रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब भारी वर्षा होना, मूसलाधार वर्षा होना, टू रेन हैवीली। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो आउटसाइड इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। 37th इज अंडर द नोज ऑफ, मतलब नाक के नीचे से, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, जब किसी के सामने से कोई चीज़ की जाती है तब हम उसको बोलते हैं अंडर द नोज ऑफ। देखते हैं अगला 38th इज सिट ऑन द फेंस, मतलब किसी का पक्ष ना लेना, रिफ्यूज टू टेक साइड इन डिस्प्यूट। जब किसी दो पक्षों की लड़ाई हो रही हो और उसमें किसी की भी साइड नहीं ली जाती तो उसको बोला जाता है सिट ऑन द फेंस। चलिए देखते हैं अगला 39th इज अफिल टास्क, मतलब कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इट इज़ एन अफिल टास्क सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट। 14th idiom इज वेट ब्लैंकेट, मज़ा किरकिरा करने वाला। अ पर्सन हु स्पॉइल्स एंजॉयमेंट। होता ना कई बार हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा पर्सन होता है जो कई बार मज़ा किरकिरा कर देता, तो हम उसको बोलेंगे वेट ब्लैंकेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम। इडियम नंबर 41 इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आकस्मिक विपत्ति, एकदम से कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाना आपके सामने, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जिसकी आपको उम्मीद ना हो। नेक्स्ट इज टर्न वंस कोट, मतलब दल बदल लेना, टू चेंज वंस पार्टी। बहुत सारे नेता क्या होते हैं इलेक्शन से पहले अपना दल बदल लेते हैं, सो वी कैन से ही चेंज्ड हिज पार्टी और ही टर्न्ड हिज कोट बिफोर द इलेक्शंस। इडियम नंबर 43 इज प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है अविश्वसनीय होना, बी अनरिलायबल, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पर्सन हु प्लेज फास्ट एंड लूज ऑन हिज एवरी स्टेटमेंट। Now let's move to the next. Idiom number 44 is bag of bones, मतलब हड्डियों का ढांचा। An extremely weak person. For example, I can say he is nothing but a bag of bones. उसमें हड्डियों के अलावा कुछ नहीं है, बहुत कमज़ोर है वो। अगला देखते हैं throw mud at somebody. Throw mud at somebody का मतलब होता है कीचड़ उछालना और tarnish somebody's image, किसी की इमेज खराब करना, किसी की इज्जत को खराब करना। इडियम नंबर 46 इज नूक एंड कॉर्नर, मतलब प्रत्येक स्थान पर, एट एवरी प्लेस, मतलब हर जगह। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई लुक्ड फॉर माई बुक इन एवरी नूक एंड कॉर्नर बट आई कुड नॉट फाइंड इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 47th इज इन वोग, मतलब कोई चीज़ प्रचलन में होना, ट्रेंड में होना, और समथिंग इज इन फैशन। फॉर एग्जाम्पल इन 21st century taking a selfie has become a fashion or it is in vogue. देखते हैं अगला 48th get wind of। get wind of का मतलब होता है पता चलना और to know a secret. For example somehow I got a wind of their secret marriage. 49th is ups and downs, मतलब उतार चढ़ाव, good and bad times। हर किसी की लाइफ में अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, so we can say life is full of ups and downs। देखते हैं अपना आज का आखिरी इडियम, दैट इज सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब होता है सुलझाना, हल करना किसी चीज़ को, और टू रिजॉल्व। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट सॉर्ट दिस मैटर आउट आई विल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 50 इडियम्स भी कंप्लीट होते हैं। मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। और मैंने आपको बताया था कि मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर 3 वीडियोस और बना रखी हैं पहले, उन्हें भी आप ज़रूर देखें, और उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। देखते हैं फर्स्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। एवरी नर्व का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, ऑप्शन बी टू फील वीक एंड टायर्ड, ऑप्शन सी टू बी ए डिलीजेंट वर्कर, बहुत मेहनती वर्कर होना, डी टू बी मेथडिकल इन वर्क। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैंने बताया था आपको टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रयास करना किसी चीज़ के लिए, सो हियर द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखते हैं अगला, सेकेंड इज द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। यहाँ पे आपको बताना है मीनिंग स्टोल द शो का। देखते हैं ऑप्शंस। Options A stole something from the show, option B crept into the show, option C won everybody's praise, option D disappeared from the show. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा C won everybody's praise। स्टील द शो का मतलब होता है सबकी वाहवाही जीतना या win everybody's praise। ओके, चलिए अगला देखते हैं। थर्ड इज टू बाइट द डस्ट। ऑप्शंस देखते हैं इसके, ईट वोरेशियसली, भुक्कड़ों की तरह खाना, ऑप्शन बी हैव नथिंग टू ईट, ऑप्शन सी ईट रूट्स, जड़ों को खाना, ऑप्शन डी टू फेल। क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दोस्तों मैंने आपको बताया था टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है हारना और टू फेल इन समथिंग। सो हियर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखते हैं फोर्थ इज कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एब्सर्डिटी मतलब बेतुकापन किसी चीज़ में। ऑप्शन बी डिसेप्शन किसी तरीके का छल। ऑप्शन सी स्लाइट सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन डी किसी तरीके का फुलिश प्रपोजल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है किसी को झूठी तसल्ली देना, टू गिव समबडी स्लाइट सेटिस्फैक्शन। सो हियर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं फिफ्थ, ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रेगुलरली। ऑप्शन बी ऑफन मतलब अक्सर कोई चीज़ होने वाली। ऑप्शन सी रेयरली, रेयरली का मतलब कोई चीज़ बहुत कम हो। ऑप्शन डी वंस अ फोर्टनाइट, 14 या 15 डेज में एक बार। तो वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब है, यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है ऑप्शन सी रेयरली। मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, ईद का चांद होना या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत कम हो, रेयरली हो। ओके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ इज द पोजेशन ऑफ यरूशलेम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन। So which option will be correct for a bone of contention? Let's see. Option A a subject of peace, शांति का कोई विषय। Option B a subject of trade. Option C a subject of dispute, विवाद का विषय। Option D a subject of exports, export करने का कोई विषय के ऊपर बात। तो मैंने बताया था आपको a bone of contention का मतलब होता है झगड़े की जड़ या विवाद का विषय। So here option C a subject of dispute will be correct. देखते हैं अगला। सेवन्थ इज टू मूव हेवन एंड अर्थ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए टू कॉज एन अर्थक्वेक, भूकंप ला देना। ऑप्शन बी टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर मुमकिन प्रयास करना। ऑप्शन सी टू प्रे टू ऑल गॉड्स। ऑप्शन डी टू ट्रैवल इन अ रॉकेट। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। मैंने बताया था आपको मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है ज़मीन आसमान एक कर देना, हर मुमकिन प्रयास करना किसी चीज़ के लिए। तो हम ऑप्शन बी को टिक लगाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एट्थ इज हिज प्रोनाउंसिएशन वाज सो बैड एंड हिज वॉइस सो लो दैट द स्पीच ही मेड वाज ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक का क्या मीनिंग होगा, यहाँ देखते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेंज, अजीब। ऑप्शन बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अबोध्य जो समझ ना आए। ऑप्शन सी इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे। ऑप्शन डी अनइंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग ना हो। मैंने बताया था ऑल ग्रीक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अबोध्य इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ ना आए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ इज आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। क्या मतलब होगा गिव इट अ शॉट का, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्लिक अ पिक्चर। ऑप्शन बी ट्राई समथिंग। ऑप्शन सी पोज फॉर अ पिक्चर, पिक्चर के लिए पोज बनाना। ऑप्शन डी इंजर समवन, किसी को चोट पहुंचाना। टू गिव इट अ शॉट, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। गिव इट अ शॉट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, उसमें हाथ डालना और टू ट्राई समथिंग। तो देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। Tenth is even though the new clerk was given a difficult task, he remained cool as a cucumber. दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा cool as a cucumber के लिए, देखते हैं। ऑप्शन ए not nervous और emotional, जो नर्वस ना हो, इमोशनल ना हो, cool and composed रहे। ऑप्शन बी caught cold, जिसको कोल्ड हो जाए। ऑप्शन सी was happy, जो खुश हो। ऑप्शन डी was scared, जो डरा हुआ हो। यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए नॉट नर्वस और इमोशनल। एक ऐसा पर्सन जो शांत रहे, कूल एंड कंपोज्ड रहे, नर्वस ना हो और इमोशनल ना हो चीज़ों को लेके। सो हियर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 11th टू ब्रिंग टू लाइट। क्या मतलब होगा इसका, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टू रिवील, कोई चीज़ सामने लाना। ऑप्शन बी टू कंसील, किसी चीज़ को छुपाना। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड ल्यूमिनेसेंस। ऑप्शन डी टू अपील, मतलब किसी से विनती करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए टू रिवील। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी रहस्य को खोलना, कोई चीज़ सामने लेके आना। ओके, चलो देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं 12th, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस। ऑप्शन ए, टू स्पेंड कॉशियसली, बहुत सोच समझ कर खर्च करना। ऑप्शन बी, टू बी स्टिंगी, बहुत कंजूस बनना। ऑप्शन सी, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत खर्चीला होना, फिजूल खर्ची करना। ऑप्शन डी, टू सर्वाइव डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करना बहुत। ओके, तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13th इज द न्यूज़ ऑफ द प्रेजिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, स्प्रेड रैपिडली। ऑप्शन बी, कोज्ड अ मेजर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना। ऑप्शन सी, वॉज अ वाइल्ड रूमर, एक रूमर होना, अफवाह होना। ऑप्शन डी, सेट अ नेशन ऑन फायर, नेशन को आग लगा देना। तो यहाँ पे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है कि कोई बात जंगल में आग की तरह फैल जाना, बहुत तेज़ी से फैलना। तो इसके लिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, स्प्रेड रैपिडली। ओके, देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। 14th इज अ रेड लेटर डे, क्या मीनिंग होगा इसका देखते हैं। ऑप्शन ए, अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ। ऑप्शन बी, अ सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी का दुखद दिन। ऑप्शन सी, एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन और बहुत जॉयफुल ओकेजन होना। ऑप्शन डी, बोथ अ डेंजरस एंड सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, दोनों ही एक डेंजरस दिन और सोरोफुल डे होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन और खुशी का दिन। ओके, तो चलते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन इज टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, क्या मीनिंग होगा इसका देखते हैं। ऑप्शन ए, टू बी फ्रैंक, फ्रैंक होना। ऑप्शन बी, टू बी स्लाय, मक्कार होना। ऑप्शन सी, टू बी रूड। ऑप्शन डी, टू बी डिप्लोमेटिक, मतलब कूटनीतिज्ञ होना। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, टू बी फ्रैंक, मतलब मुंहफट होना, बिना हेजिटेशन के कुछ भी बोल देना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेसन आज यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस लेसन की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरी अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।